हेलो डिफेंस लवर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सच्ची न्यूज डिफेंस चैनल में और मैं प्रतिदिन की तरह एक बार फिर से हाजिर हूँ कंपैरिजन सीरीज का एक नया वीडियो लेकर के। तो दोस्तों, आप लोगों ने तो देखा होगा कि इंडिया और चाइना के बीच बहुत ज्यादा तनाव की स्थिति बनी हुई है और आप ये भी जानते हैं कि दोनों ही देश न्यूक्लियर पावर के साथ एक विशाल देश भी है और ये दोनों देशों की एक दूसरे से नहीं बनती है। इन फ्यूचर इन दोनों देशों के बीच एक बड़ा मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है और लोग ये भी जानना चाहते हैं कि कौन किस पर भारी पड़ेगा। तो आइए इस वीडियो में इन दोनों देशों की फोर्स का लेटेस्ट आंकड़ों के आधार पर कंपैरिजन करते हैं। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे, साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको अपने भारत देश के डिफेंस से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे सबसे पहले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं इंडिया और चाइना की ग्लोबल रैंक से। तो इंडिया मौजूदा समय में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी महाशक्ति है और वहीं चाइना मौजूदा समय में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी महाशक्ति है। अगर बात करें इंडिया और चाइना की पॉपुलेशन यानी जनसंख्या के बारे में, तो लेटेस्ट स्टैट्स के आधार पर भारत की जनसंख्या मौजूदा समय में 138 करोड़ से ज्यादा की हो चुकी है और वहीं चाइना की जनसंख्या मौजूदा समय में 142 करोड़ के करीब हो चुकी है। अगर दोनों देशों के क्षेत्रफल की बात की जाए तो भारत मौजूदा समय में दुनिया का सातवां सबसे बड़ा देश है और वहीं चीन मौजूदा समय में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है। अगर दोनों देशों के डिफेंस बजट को देखा जाए तो लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार भारत का कुल डिफेंस बजट 71 बिलियन डॉलर का है और वहीं चीन का कुल डिफेंस बजट 228 बिलियन डॉलर का है। अगर बात करें दोनों ही देशों के न्यूक्लियर वॉरहेड्स की, तो लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार भारत के पास मौजूदा समय में 150 न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं और भारत इससे ज्यादा का उत्पादन कर सकता है और वहीं चीन के पास मौजूदा समय में 320 न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं। इसके बाद अगर बात करें भारत और चीन के मिलिट्री पर्सनल्स की, तो भारत के पास मौजूदा समय में 14.5 लाख एक्टिव जवान हैं और रिजर्व में 21 लाख भारतीय जवान हैं और वहीं चीन के पास मौजूदा समय में 21.5 लाख एक्टिव जवान हैं और रिजर्व में 5 लाख जवान हैं। अगर बात करें दोनों ही देशों की एयर फोर्सेस के फाइटिंग एयरक्राफ्ट की, तो भारत के पास मौजूदा समय में 550 से ज्यादा फाइटिंग एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, वहीं चीन के पास मौजूदा समय में 1250 के करीब फाइटिंग एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। और आपको बता दें कि भारत के फाइटिंग एयरक्राफ्ट ने दुनिया के सामने अपना शौर्य प्रस्तुत किया है, लेकिन चीन के एयरक्राफ्ट ने कोई भी जंग में भाग नहीं लिया है। और बात करें अटैकर एयरक्राफ्ट की, तो भारत के पास मौजूदा समय में 170 से अधिक अटैकर एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, वहीं चीन के पास मौजूदा समय में 380 के करीब डेडिकेटेड अटैकर एयरक्राफ्ट मौजूद है। चीन के कई एयरक्राफ्ट पुराने हो चुके हैं तो वो यूजेबल नहीं बचे हैं, इसलिए ये आंकड़ा कम हो चुका है, लेकिन चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर इनकी संख्या में बढ़ोतरी कर रहा है। इसके बाद मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स की बात की जाए तो भारत के पास मौजूदा समय में 750 मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं और वहीं चीन के पास मौजूदा समय में 1200 के करीब मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। इसके बाद अगर देखें कॉम्बैट टैंक्स को, तो इस फील्ड में भारत के पास मौजूदा समय में 4500 से अधिक एक्टिव मिलिट्री कॉम्बैट टैंक्स मौजूद हैं, वहीं चीन के पास पुराने टैंक्स को अगर हटा दिया जाए तो चीन के पास मौजूदा समय में 4000 से अधिक कॉम्बैट टैंक्स मौजूद है। इसके बाद अगर बात करें आर्टिलरी गन्स की, तो भारत के पास मौजूदा समय में 4100 से अधिक आर्टिलरी गन्स मौजूद हैं, वहीं चीन के पास मौजूदा समय में 3600 से अधिक फील्ड आर्टिलरी गन्स मौजूद हैं। इसके बाद अगर बात करें सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स की, तो भारत के पास मौजूदा समय में 250 से अधिक सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स मौजूद हैं और इस फील्ड में भारत काफी तेजी से वृद्धि कर रहा है, वहीं चीन के पास मौजूदा समय में 3800 से अधिक आर्टिलरी मौजूद हैं। इसके बाद अगर बात करें दोनों ही देशों की नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर की, तो भारत के पास मौजूदा समय में 1 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है और दूसरा INS विक्रांत 2021 के अंत तक भारतीय नौसेना में शामिल हो जाएगा, वहीं चीन के पास मौजूदा समय में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है। इसके बाद अगर देखें फ्रिगेट्स को, तो भारत के पास कुल 13 फ्रिगेट्स मौजूद हैं और वहीं चीन के पास कुल 46 फ्रिगेट्स मौजूद हैं। इसके बाद अगर बात करें डिस्ट्रॉयर्स की, जो दुश्मन के बेड़े को ध्वस्त करने के लिए काम आते हैं, तो भारत के पास मौजूदा समय में 10 डिस्ट्रॉयर शिप मौजूद हैं, वहीं चीन के पास कुल 37 डिस्ट्रॉयर शिप मौजूद हैं। और अगर बात करें सबमरीन की, तो भारत के पास मौजूदा समय में टोटल 17 सबमरीन मौजूद हैं, वहीं चीन के पास मौजूदा समय में 76 के करीब सबमरीन बताई जाती हैं। तो दोस्तों, चीन हर क्षेत्र में भारत से बहुत आगे है, लेकिन बस क्वांटिटी में, ना कि क्वालिटी में, क्योंकि क्वालिटी में भारत के पास हर क्षेत्र में चीन से अच्छे हथियार मौजूद हैं। तो दोस्तों, आपका क्या सुझाव है कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं, साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा जिससे आपको भारतीय डिफेंस से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे सबसे पहले। तो आपको अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच कंपैरिजन वीडियो देखना है तो इन वीडियोस को देख सकते हैं और जाने कौन कितना ताकतवर है। जय हिंद, वंदे मातरम।